आगामी 2 जनवरी को माता सावित्री बाई फूले महिला ब्रिगेड के बैनर तले माता सावित्री बाई फूले के जीवन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर माता सावित्री बाई फूले संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा निर्देश सिंह द्वारा रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में सभी से भाग लेने की अपील भी की है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्षा निर्देश सिंह द्वारा कहा गया, 3 जनवरी को खुशालपुर अम्बेडकर पार्क मुरादाबाद में माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के उपलक्ष में एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे मंडल और प्रदेश भर से माता सावित्रीबाई फूले महासभा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। किन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है? बिंदु इसमें जो सबसे मेन मोटो रहेगा वो यही है कि देश में संख्या अनुपात में बहुजनों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित कराई जाए, इस पर ये जो है कैडर दिया जाएगा। तो आप क्या अपील करना चाहोगी अपने कार्यक्रम को लेकर के? मैं अपील करना चाहूँगी कि जितने भी माता सावित्रीबाई फूले महासभा की विचारधारा से लोग सहमत हैं और उस विचारधारा पर काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं। और विशेषकर बात यह कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जो संख्या अनुपात में बहुजन भागीदारी मूवमेंट को मजबूत करना चाहते हैं, वो सभी लोग जो है कॉपी और पेंसिल के साथ में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सादर आमंत्रित हैं। स्थान खुशालपुर अम्बेडकर पार्क और मुरादाबाद में रहेगा। और विशेष बात इसमें यह है कि जो डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय HL दुसाद जी, वो इसमें 3 घंटे का लेक्चर देंगे, वो इसको हेड ट्रेनिंग देंगे। और दूसरे ट्रेनर रहेंगे आदरणीय केदारनाथ जी झज्जर हरियाणा से।